नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर से ड्रीम टैलेंट के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। और आज हम बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड्स के बारे में, क्या उन्होंने रिकॉर्ड सेट किए जिसके कारण वो इतना फेमस हुए। इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो धोनी पहले ऐसे विकेट कीपर थे इंडिया के लिए जिन्होंने 4,000 रन पूरे किए टेस्ट क्रिकेट में। धोनी ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में छक्का मारकर 50 छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया एज अ कैप्टन। धोनी ने टोटल 294 डिसमिसल्स किए एज अ विकेट कीपर। ये हाईएस्ट डिसमिसल थे इंडिया के लिए। T20 की अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो धोनी ने सबसे ज्यादा 34 स्टंपिंग की थी एज अ विकेट कीपर इंडिया के लिए। धोनी एज अ विकेट कीपर उन्होंने T20 में 5 कैचेस पकड़े थे एक ही मैच। अगर हम टेस्ट ओडीआई और T20 इंटरनेशनल के रिकॉर्ड्स की बात करें धोनी के, तो धोनी ने एज अ कैप्टन 332 इंटरनेशनल मैचेस खेले। धोनी पहले ऐसे विकेट कीपर हैं जिन्होंने 150 स्टंपिंग का आंकड़ा पार किया और टोटल अपने करियर में 195 स्टंपिंग्स की। धोनी के अगर हम ओडीआई रिकॉर्ड्स की बात करें तो धोनी तीसरे ऐसे वर्ल्ड के कैप्टन हैं और पहले नॉन ऑस्ट्रेलियन कैप्टन हैं जिन्होंने अपने अंडर 100 गेम्स जीती। धोनी ऐसे पहले विकेट कीपर हैं जिन्होंने 50 ओवर की गेम में 10,000 रन पूरे किए। धोनी ओडीआई में 84 बार नॉट आउट रहे। धोनी ने 2005 में श्रीलंका के खिलाफ 183 रन की नाबाद पारी खेली, जो कि किसी भी विकेट कीपर का ये हाईएस्ट स्कोर है। धोनी ने नेश्वर कुमार के साथ मिलकर श्रीलंका के खिलाफ 8वें विकेट में हाईएस्ट पार्टनरशिप की 100 रन की। धोनी के नाम एक इनिंग में 6 डिसमिसल करने और 432 डिसमिसल्स करने का रिकॉर्ड है इंडिया की तरफ से एज अ विकेट कीपर। धोनी ने टोटल 123 स्टंपिंग की ओडीआई में। ऐसा करने वाले वो पहले विकेट कीपर। धोनी के अगर हम ओवरऑल करियर की बात करें तो धोनी ने सारे फॉर्मेट में खेला है, टेस्ट ओडीआई T20 और T20 इंटरनेशनल। मैचेस की अगर हम बात करें तो टेस्ट में धोनी ने 90 मैचेस खेले हैं, ओडीआई में 350, T20 इंटरनेशनल में 98 और T20 361। रन्स जो उन्होंने बनाए हैं वो टेस्ट में 4876, ओडीआई में 10773, T20 इंटरनेशनल में 1617 और T20 में 7167 रन मारे हैं। बैटिंग एवरेज की अगर हम बात करें तो टेस्ट में उनका एवरेज 38.09 था, ओडीआई में 50.53 था, T20 इंटरनेशनल में 37.60 था और T20 में 38.12। उनकी अगर हम सेंचुरीज और हाफ सेंचुरीज की बात करें तो टेस्ट में उन्होंने 6 सेंचुरीज और 33 हाफ सेंचुरीज मारी थी, ओडीआई में 10 सेंचुरी और 73 हाफ सेंचुरीज, T20 इंटरनेशनल में कोई भी सेंचुरी नहीं मारी थी, 250 मारे थे और T20 में 2850 मारे थे। टॉप स्कोर जो उनका रहा था टेस्ट में 224 का रहा था, ओडीआई में 183, T20 इंटरनेशनल में 56 और T20 में 84 नॉट आउट। बॉल भी उन्होंने की थी, टोटल टेस्ट में 96 बॉल्स किए थे, ओडीआई में 36, T20 इंटरनेशनल में उन्होंने कोई बॉल नहीं किया और T20 में उन्होंने 12 बॉल की थी। उनको एक विकेट भी मिला था टेस्ट में। बॉलिंग एवरेज उनकी 31 की थी, 5 विकेट उन्हें कभी नहीं मिले, 10 विकेट भी उनको कभी नहीं मिले। बेस्ट बॉलिंग जो उनका रिकॉर्ड है वो 14 रन देके उन्होंने एक विकेट ली थी।
कैचेस और स्टंपिंग की अगर हम बात करें तो टेस्ट में उन्होंने 256 कैचेस पकड़े हैं और 38 स्टंपिंग की। ओडीआई में 321 कैचेस पकड़े हैं और 123 स्टंपिंग की है। T20 इंटरनेशनल में 57 कैचेस और 34 स्टंपिंग की हैं और T20 में 207 और 84 स्टंपिंग की हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचाते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।